हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की क्लास। दोस्तों, अभी तक अपनी यूनिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंप्लीट कर चुके थे। यूनिट फोर्थ हमने स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने कवर किया था सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। ठीक है, तो वही हम कर रहे थे। हमने देख चुके थे कि वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उसमें कौन कौन से सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, लाइक म्यूनसिपॉलिटी अथॉरिटी एक मेजेस्ट स्टेक होल्डर है, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हम देख चुके थे। ठीक है, लाइक कलेक्शन ऑफ वेस्ट इज बिगेस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हम देख चुके थे। उसके बाद मैनेजमेंट कैसे किया जाता है म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का, मैनेजमेंट करने के लिए क्या प्रोसेस हैं, लाइक कलेक्शन करना पड़ता है सबसे पहले, तो वो हम देख चुके थे। ठीक है, कलेक्शन कैसे इफ़ेक्टिव तरीके से किया जा सकता है वो सब हमने देख लिया था, और सेग्रीगेशन करना चाहिए उसके बाद। ये हमने पहले भी देखा है फ्लो चार्ट में कि कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप कैसे करा जाता है वेस्ट का मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहले कलेक्शन आता है देन सेग्रीगेशन। तो ये चीज़ें हम देख चुके हैं पहले भी, बट हमने उनको डिटेल में पढ़ा था। तो हम कलेक्शन देख चुके थे, सेग्रीगेशन देख चुके थे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट हमने देख लिया था, प्रोसेसिंग ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट करते हैं ये भी हमें पता है, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन हमने नहीं करा था, हमने सेग्रीगेशन कर लिया था और स्टोरेज कर ली थी हमने। आज हमें देखना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, व्हीकल्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट शैल बी कवर्ड, मतलब जिस भी व्हीकल में म्यूनसिपॉलिटीज, अर्बन लोकल बॉडीज वेस्ट को लेके जा रही है कम्युनिटी से कलेक्ट करके, उस वेस्ट को मतलब ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उस वेस्ट व्हीकल को कवर किया जाना चाहिए, ढक के ले जाना चाहिए, यानी खुले में लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अर्बन लोकल बॉडीज की कि व्हीकल्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट शैल बी कवर्ड, वो कवर होने चाहिए। वेस्ट शुड नॉट बी विजिबल टू पब्लिक, वो आम लोगों को नहीं दिखाई देना चाहिए, मतलब जहाँ भी इकट्ठा हो रहा है, कलेक्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर वो स्टोरेज स्टेशन है, तो वो वेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि पब्लिक के लिए ईजिली एक्सेसिबल हो। ईजिली एक्सेसिबल का मतलब इन्होंने वही रखा है कि वो ओपन स्पेस में नहीं होना चाहिए, बिकॉज ओपन स्पेस में अगर होगा वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो वेस्ट शुड नॉट बी विजिबल टू पब्लिक नॉर एक्सपोज टू ओपन एनवायरनमेंट, एक्सपोज नहीं होना चाहिए वो खुले आकाश के लिए, खुले पर्यावरण के लिए, प्रिवेंटिंग दियर स्कैटरिंग। ठीक है, उसकी स्कैटरिंग मतलब बहुत फैलावा नहीं होना चाहिए, जितनी कम सरफेस में कलेक्ट करोगे रखोगे ना स्टोर करके वेस्ट को, उतना ज़्यादा बेटर होगा। टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया शैल बी मेट नेमली, इसके बाद भी कुछ और क्राइटेरियाज हैं कि वेस्ट का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। ठीक है, द स्टोरेज फैसिलिटी सेट अप बाय म्यूनसिपल अथॉरिटीज शैल बी डेली अटेंडेड फॉर क्लियरिंग ऑफ वेस्ट, द बीन्स और कंटेनर्स विच वेयर एवर प्लेस्ड शैल बी क्लीन बिफोर दे स्टार्ट ओवरफ्लोइंग। ठीक, क्या है समझने की कोशिश करते हैं कि स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो हैं म्यूनसिपॉलिटीज़ जो भी स्टोरेज फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करा रही हैं, तो वो इस तरीके से सेट की जानी चाहिए म्यूनसिपॉलिटी के द्वारा कि वो डेली क्लीन हो। ठीक है, वेस्ट वहाँ से डेली क्लीन हो, ये प्रैक्टिस जनरल प्रैक्टिस होनी चाहिए म्यूनसिपल अथॉरिटी की। और बीन्स जो होते हैं, चाहे वो होल्ड मेथड से हो, ठीक है, या स्टेशनरी वाले मेथड से हो,
हमने पता था, हमने देख लिया था कि दो मेथड होते हैं, एक हॉल्ड होता है, एक स्टेशनरी वाला होता है। तो चाहे कोई सा भी मेथड हो, लेकिन बीन्स और कंटेनर्स विच एवर प्लेस्ड, ठीक है, जो भी आपकी कम्युनिटी में बीन्स रखे जा रहे हैं, शैल बी क्लीन बिफोर दे स्टार्ट ओवरफ्लोइंग। ऐसा नहीं हो कि आपकी कम्युनिटी में सपोज एक कूड़ादान रखा है, ठीक है, डस्टबिन रखा है। अब हर कम्युनिटी का हर पर्टिकुलर एक व्यक्ति वहाँ पे अपने घर का कूड़ा डालने जाता है, ठीक है, हर हाउस होल्ड का कूड़ा वहाँ पे आता है। अब पता लगा म्यूनसिपॉलिटी वाले आए नहीं हैं और वो डस्टबिन भर गया है उसके फिर चारों तरफ कूड़ा, ऑब्वियसली बात है कि जब डस्टबिन भर जाएगा तो लोग बाग तो फिर भी कूड़ा डालेंगे, वो उसके आसपास डालने शुरू कर देते हैं। तो दिस शुड नॉट बी डन, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है म्यूनसिपॉलिटी की कि डस्टबिन जब तक भरे उससे पहले ही उसे खाली कर देना चाहिए या उसकी जगह एक नया डस्टबिन रख देना चाहिए। यही इस लाइन में कहा गया है। नाउ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल शैल बी सो डिजाइंड दैट मल्टीपल हैंडलिंग और बेस्ड पीरियड टू फाइनल डिस्पोजल इज अवॉइडेड। आई होप आपको ऊपर वाली लाइन समझ में आ गई होगी, इसको हम समझते हैं। ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि मल्टीपल हैंडलिंग ऑफ वेस्ट पीरियड टू फाइनल डिस्पोजल इज अवॉइडेड। उसमें जो आप मल्टीपल हैंडलिंग कर रहे हो, ठीक है, तो फाइनल डिस्पोजल से पहले आप उसकी हैंडलिंग तो करोगे ना, लेके कहीं जाओगे, तो उसको अवॉइड किया जा सके मल्टीपल हैंडलिंग को। ये नहीं कि आपने बहुत सारा टाइम तो हैंडलिंग में ही लगा दिया, ठीक है, जितना बड़ा होगा और ईजिली ऐसे व्हीकल भी डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो वहाँ पे कुछ बॉक्सेस हों ताकि सेग्रीगेटेड को अलग अलग इकट्ठा किया जा सके। तो इस तरीके से अच्छे से डिज़ाइन किया होना चाहिए जो व्हीकल है कि उसके लिए मल्टीपल्स एक बार में ही काम हो जाए ना, कई बार एक ही काम को ना करना पड़े, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। प्रोसेसिंग ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। म्यूनसिपल अथॉरिटी शैल adopt suitable technologies or combination of such technologies to make use of waste so as to minimize burden on landfill. The municipal authority shall adopt suitable technologies. मतलब municipal authorities को कुछ ऐसी technology adopt करेंगी, या फिर combinations हो सकता है वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का, जिनसे मिला के एक नई टेक्नोलॉजी बन जाए जो शायद ज़्यादा बेनिफिशियल हो, टू मेक यूज़ ऑफ वेस्ट सो एज टू मिनिमाइज बर्डन ऑन लैंडफिल। क्योंकि आपको पता है कि फाइनली अल्टीमेटली हमें वेस्ट जब एक वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है काफ़ी, जिसका फिर उसके बाद कुछ हो नहीं सकता, तो उसको हमें दबाना पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर बहुत सारा भार पड़ रहा है, क्योंकि फाइनली उसको तो डिकम्पोज डिग्रेड पृथ्वी को ही करना है ना, अपने नेचुरल प्रोसेस हमने लास्ट टाइम भी देखा था, हाँ पता करा था अपनी क्लास में कि पृथ्वी के पास अपने खुद के नेचुरल प्रोसेस होते हैं, वो वेस्ट को डिग्रेड करती है, बट उसे एक टाइम चाहिए, ठीक है, तो इतना बर्डन ना पड़े पृथ्वी के ऊपर कि वो डिकम्पोज ना कर पाए, उन्हें डिग्रेड ना कर पाए, इतना बोझ नहीं पड़ना चाहिए, इतना वेस्ट हमें उसमें नहीं दबाना चाहिए पृथ्वी के अंदर गड्ढे खोद के कि वो उन्हें डिग्रेड ना कर पाए। ऑल दो एक लिमिट तक वेस्ट अगर आप दबाओगे जनरेट करोगे तो उसे पृथ्वी डिग्रेड कर सकती है, बट एक लिमिट होती है हर चीज़ की। पृथ्वी ऐसा नहीं है, हमारे सामने प्रॉब्लम्स इसलिए आई हैं क्योंकि हम उस लिमिट को बहुत ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं। हम लिमिटलेस बाउंडलेस वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। अगर हम एक लिमिट में वेस्ट जनरेट करते तो इन्वायरमेंट नेचर के पास अपने खुद के प्रोसेस हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस भी हैं और भी प्रोसेस हैं जिनके अकॉर्डिंग वेस्ट को वो डिग्रेड कर देता है, लेकिन हमने लिमिटलेस वेस्ट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो हमारा कल्चर हो, उसे हम अपना कल्चर बोल सकते हैं। हम लोग आज मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, यूज एंड थ्रो की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वेस्ट की। सबसे ज़्यादा वेस्ट जनरेट हुआ है यूज एंड थ्रो के पॉलिसी जब से हमने अडॉप्ट की है, ये वेस्टर्न कल्चर जब से आया है। स्टिल मैं आपको एक बात बताऊं कि इंडिया का जो परचेसिंग पावर पैरिटी है वो सबसे कम है। इंडिया बिजली बहुत कम वेस्ट, मतलब बिजली बहुत कम यूज़ करता है अन्य के कंट्रीज़ के मुकाबले, जितनी हमारी पॉपुलेशन है वेस्ट बहुत कम जनरेट करता है, उसकी जो अडॉप्टेबिलिटी है बहुत ही
ताकि भौतिक वस्तुओं की वो उसकी बहुत कम है। हम मतलब हम लोग ना बहुत सिंपल जीवन जीते हैं। ये बात मैं ही नहीं कह रहा, ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएन में बोली थी कि भारत, उन्होंने अपने कुछ आंकड़े रखे और उन्होंने कहा यूएन में कि भारत पर तो सबको गर्व होना चाहिए, भारत के लोग कितना सादा जीवन जीते हैं, ऊर्जा बहुत कम खर्च करते हैं। उन्होंने आंकड़ों के माध्यम से गिनाया था कि देखिए हमारा भारत ऊर्जा बहुत कम खर्च करता है, हमारा भारत तो भौतिक वस्तुओं की चीज़ें बहुत लग्जरीज आइटम्स को बहुत कम खर्च करता है, भारत तो वेस्ट बहुत कम जनरेट कर रहा है, ऐसे उन्होंने कहा था। लेकिन इसके पीछे ये आंसर नहीं था कि हमारे पास बहुत सारी लग्जरी आइटम्स हैं फिर भी हम बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे गरीबी है, अभी हम उतने डेवलप्ड नहीं हुए हैं, इस वजह से हमारा पीपीपी बहुत कम है। अगर हम भी डेवलप्ड होते तो हमारे पास भी लग्जरी आइटम की भरमार होती जैसे और कंट्रीज़ में है, मॉडर्न कंट्रीज़ में, तो हम भी करते यूज़। तो लेकिन फिर भी उन्होंने कह दिया क्योंकि उनके पास आंकड़े थे, ठीक है। लेकिन इसके पीछे असलियत यही थी, एक्चुअल्स यही थी कि हमारे पास उतनी संपन्नता ही नहीं है, हमारे पास उतनी वेल्थ ही नहीं है। जिस दिन हमारे पास उतनी वेल्थ होगी तो हम भी उतना ही वेस्ट जनरेट करेंगे। लेकिन फिर भी हम जितना भी कर रहे हैं या पूरा वर्ल्ड जितना कर रहा है तो वो एक प्रॉब्लम है, कुल मिला के बात की है, उसको हमें कम करना है या उसको डील ऐसे करना है, उसको मैनेज करना है कि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शैल बी प्रोसेस्ड बाय कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, एनएरोबिक डम डाइजेशन और एनी अदर एप्रोप्रिएट बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ वेस्ट, ठीक। ये हम पढ़ चुके हैं कि मतलब ये हमें सामान्य तौर पर पता है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ऐसे प्रोसेस किया जा सकता है बायोलॉजिकल प्रोसेस में कि बायोडिग्रेडेबल है ना तो उसको आप डिग्रेड कर सकते हो इजीली कि उससे कंपोस्ट बनाया जा सके, खाद बनाई जा सके, ठीक है, बर्मी कंपोस्ट उससे बनाई जा सके। कुछ एनएरोबिक डिज़ाइंस भी होते हैं, मतलब जिसमें एनएरोबिक क्या होता है ये हम बाद में डिटेल में समझेंगे, हमने ये आपको लेक्चर आई थिंक 5th में मैंने बताया आपको, ठीक है, जहाँ पे मैंने बायोडिग्रेडेबिलिटी कराई थी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के पास, हमने बायोडिग्रेडेबिलिटी पढ़ी थी ना, तो वहाँ पे मैंने आपको एनारोबिक डाइजेशन थोड़ी सी बताई थी, जहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति ना हो, ठीक है, वहाँ पे डिग्रेडेशन अगर कराया जाए तो दैट इज़ कॉल्ड एनारोबिक डाइजेशन और एनी अदर अप्रोप्रिएट बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ वेस्ट, ठीक। इट शैल बी इंश्योर्ड दैट कंपोस्ट और एनी अदर एंड प्रोडक्ट सेल कंप्लाई विद स्टैंडर्ड्स एज स्पेसिफाइड बाय लॉ। ये इंश्योर करना होगा कि जो भी हम कंपोस्टिंग कर रहे हैं या एनी अदर एंड प्रोडक्ट, जो भी हमारा रिजल्ट है चाहे वो बर्मी कंपोस्टिंग हो या कुछ भी हो, तो शेल कंप्लाई विद स्टैंडर्ड्स एज स्पेसिफाइड लॉ। कुछ नियम्स हैं, उनके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि वो एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो बेस्ट सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं आपको, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो थोप रहे हैं रूल्स, लेकिन उनके बेस्ट रिजल्ट हैं इसलिए वो उन्होंने रूल्स बनाए हैं। नाउ डिस्पोजल ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट हमने सर्व कर लिया, हमने प्रोसेसिंग भी कर लिया है उसकी, अब लास्ट बचा है जिसका कुछ वेस्ट का नहीं हो सकता, उसे तो हमें दबाना पड़ेगा, उसी को हमें सबसे कम करना होता है ताकि अर्थ के ऊपर उतना लोड ना पड़े। तो डिस्पोजल ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट क्या है, लैंड फिलिंग शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो डिग्रेडेबल नहीं है उसको तो हमें डंप करना ही पड़ेगा। इनर्ट वेस्ट एंड अदर वेस्ट दैट आर नॉट सुटेबल आइदर फॉर रिसाइकलिंग और फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसकी ना तो रिसाइकलिंग हो सकती है ना जिसका कोई बायोलॉजिकली डिग्रेड हो सकता है, वो तो उसको फाइनली हमें डिकम्पोज करना पड़ता है, उसके लिए लैंडफिल्स सर्च करनी पड़ती है और वहाँ पे ले जाके उसको हमें गड्ढा खोद के दबा देना होता है, ठीक है। लैंडफिलिंग शैल ऑल्सो बी कैरिड आउट फॉर रेसिड्यूज ऑफ वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज एज वेल एज प्री प्रोसेसिंग रिजेक्ट्स फ्रॉम वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, ठीक है। जो ट्रीटमेंट करने के बाद बचा है, जिसकी ट्रीटमेंट नहीं हो पाई वो भी गड्ढों में दबाया जाता है,
और जो ट्रीटमेंट से पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, लाइक हजार्डियस बेस्ड है, उसको ट्रीटमेंट से पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं ना कि इसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, तो उसको भी गड्ढे में खोद के ही दबाया जाता है। यही इन्होंने कहा है कि लैंडफिलिंग ऑल्सो बी कैरिड आउट फॉर रेसिड्यूज ऑफ बेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज एज वेल एज प्री प्रोसेसिंग, जो आफ्टर प्रोसेसिंग होती है वो भी एंड प्री प्रोसेसिंग वो भी, ठीक है। लैंडफिलिंग ऑफ मिक्सड बेस्ट शैल बी अवॉइडेड अनलेस द सेम इज फाउंड अनसुटेबल फॉर बेस्ट प्रोसेसिंग, जो भी मिक्स बेस्ट की प्रोसेसिंग कर रहे हो तो उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अंडर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस और टिल इंस्टॉलेशन ऑफ अल्टरनेट फैसिलिटीज लैंडफिलिंग शैल बी डन फॉलोइंग प्रॉपर नॉर्म्स, ठीक। लैंडफिल साइट शैल मीट द स्पेसिफिकेशंस बाय लॉज, जो भी लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग ही लैंडफिलिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ नॉर्म्स भी हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, तो नॉर्म्स देख लेते हैं क्या हैं। नॉर्म्स क्या हैं कि पैरामीटर्स जो इंडियन स्टैंडर्ड, आपको पता होगा भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है BSI, तो उसके कुछ नॉर्म्स हैं, उसने कुछ लिमिट सेट करी है। लाइक आर्सेनिक है तो उसकी एक लिमिट रखी गई है कि अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो अलाउ नहीं है, वो डेंजरस है। तो आर्सेनिक आप देख सकते हो, ठीक है, ये आर्सेनिक आप देख सकते हो। इसके अलावा एल्यूमिनियम आप देख सकते हो, सॉरी कैडमियम, उसके अलावा क्रोमियम आप देख सकते हो। तो इनकी कुछ लिमिट, डिज़ायरेबल लिमिट दी गई हैं कि अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अदरवाइज आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर, साइनाइड, लेड, मरकरी, निकल, मोस्ट ऑफ इज आर हैवी एलिमेंट्स। तो आप देख सकते हो कि आर्सेनिक अगर 0.05, इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इसकी यूनिट क्या है वो आप याद रखें, ठीक है। तो यूनिट आप याद रखें इसकी और लिमिट भी आप याद रख लें, जरूरी नहीं है सबकी, लेकिन एटलीस्ट आर्सेनिक तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आर्सेनिक की आपको लिमिट पता होनी चाहिए कि 0.05 अगर मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा अगर वो रहता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसके बाद नाइट्रेट्स, जो भी होगा नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में अगर है, pH क्या होनी चाहिए, आयरन, टोटल हार्डनेस, ठीक है, लाइक कैल्शियम कोबाल्ट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, क्लोराइड्स, क्लोराइड्स का लेवल कितना होना चाहिए, आपको पता होगा क्लोराइड्स होते हैं, डिजॉल्व सॉलिड, जो भी सॉलिड डिजॉल्व है उसमें, फिनोलिक कंपाउंड्स उनकी क्या है, जिंक, एंड ये भी नंबर भी आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने नॉर्म्स रखे गए हैं, इसमें कितने कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स रखे गए हैं जिनकी एक लिमिट सेट की गई है कि इससे ज़्यादा एक्सेस में नहीं होनी चाहिए। तो ये 17 है और ये आप नंबर देख सकते हैं कि आर्सेनिक जैसे 0.05 है, सल्फेट्स को 200 रखा गया है, जिंक को 5 रखा गया है। इसके अलावा कुछ अदर पैरामीटर्स हैं या जिनकी लिमिट सेट हैं कि इससे ज़्यादा डेंजरस हैं, तो वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, गैसेस जिसमें 120 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब्स 24 आवर्स में, इतनी ही, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स SPM जिनको बोलते हैं ना, आपको पता होगा, तो ये 500 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब्स इन 24 आवर्स, मीथेन नॉट टू एक्सीड 25% ऑफ द लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट, ठीक है, इक्विवेलेंट टू 650 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब्स, अमोनिया डेली एवरेज पर 0.4 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्यूब बताया गया है इन्होंने 1 hour and 8 hours में कितना होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन हम कर चुके थे, मैं आज फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन वही है। द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज एन अमाउंट ऑफ ₹11.45 crore टू 4 स्टेट फॉर प्रोवाइडिंग ग्रांट इन अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय ने कुछ धन आवंटित किया है अर्बन लोकल बॉडीज को, नगर निकाय को, उनको वहाँ पर डेवलप वगैरह करने के लिए, काम करने के लिए वहाँ पे। तो क्या बिहार को भी इसमें से कुछ धन आवंटित हुआ है? चार राज्य कौन कौन से हैं आप मुझे वो बताइए कमेंट करके।
मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगा, आप मुझे तब तक बताइए कमेंट करके कि वो चार राज्य कौन से हैं, क्या बिहार भी उनमें एक राज्य है, अगर बिहार है तो बिहार को कितना धन मिला है। आप मुझे अपना कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं बेस्ट आंसर्स दिखाऊंगा ताकि सबकी नॉलेज बढ़े, सबकी नॉलेज में नॉलेज शेयर करते रहना चाहिए इसलिए, ठीक है, नॉलेज को शेयर करते रहना चाहिए जितने भी आपके पास हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। आज हमने इसका पहला कवर कर लिया, अब बायोलॉजिकल प्रोसेस देख लेंगे, उसके बाद थर्मल प्रोसेस, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, थर्मल प्रोसेस और लैंडफिलिंग भी इम्पॉर्टेंट है, लैंडफिलिंग को हम देख लेंगे उसके बाद। तो फिर जनरल्स बचता है कि पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप क्या कैसे कर सकती है, हैंडलिंग या कुछ ऑपरेशंस लाइक प्रोसेसिंग वगैरह कैसे बेस्ट को मैनेजमेंट कर सकती है, तो वो तो जनरल प्रोसेस है, उसको थोड़ा सा देख लेंगे। ओके, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही ये यूनिट कवर हो जाएगी तो हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ वीडियो की PDF मिल जाती है, एंड वहाँ पर डेली क्विज भी होती है जिससे आपको अपनी प्रैक्टिस और ही एनहेंस कर सकते हैं, आपको पता लग जाता है कि आपको कहाँ पर वर्क करने की ज़रूरत है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अपनी तरफ से कुछ कुछ, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, थैंक यू।